नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरे लिए प्रीवियस एचपी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग ही बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिविज़न के टाइम ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको आगामी एचपीएसएससी जेबीटी कमीशन एसआई कंडक्टर जेओआईटी पोस्ट कोड 965 पंचायत ऑडिटर और वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया कि द यमुना रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यमुना जो रिवर है उसका जो उद्गम है वो किस नदी से होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, यमुनोत्री जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच मंथ इज़ सैर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो सैर फेस्टिवल जो है वो किस महीने में ये मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सितंबर के महीने में सैर जो फेस्टिवल है, त्यौहार है, वो मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। विच राजा ऑफ कहलूर प्रिंसली स्टेट शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ इज स्टेट फ्रॉम सुनहैनी टू बिलासपुर। तो कौन सा बिलासपुर का राजा था जिसने अपनी राजधानी को सुनहैनी से बिलासपुर स्थानांतरित किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, दीपचंद जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा जो कहलूर है वो कहलूर किसका प्राचीन नाम था, ये बिलासपुर का प्राचीन नाम था। ऐसे कई क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं प्राचीन नाम से, जैसे भरमौर का प्राचीन नाम ब्रह्मपुर था, सुंदरनगर का वाने था, सराहन का शोणितपुर था, नालागढ़ का हिंडोर था, बैजनाथ का किरग्राम था। ऐसे कई क्वेश्चन आपसे इसके रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो दीपचंद जो कहलूर का राजा था उसने अपनी राजधानी को सुनहानी से बिलासपुर स्थानांतरित किया था। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। एट विच प्लेस इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी जखनी देवी टेम्पल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जखनी देवी मंदिर जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में किस जगह पर है। क्वेश्चन नंबर 43 जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चांदपुर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में चांदपुर जगह पर जखनी देवी मंदिर जो है वो स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज खोखण सेंचुरी। तो खोखण अभयारण्य जो है, खोखण सेंचुरी जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, कुल्लू जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। खोखण अभयारण्य जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। हु गेव द टाइटल ऑफ पहाड़ी गांधी टू श्री बाबा कांशीराम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाबा कांशीराम जी को पहाड़ी गांधी का जो टाइटल था, संज्ञा थी, वो किसने दी थी। क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा कांशीराम जी को पहाड़ी गांधी की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पहाड़ी बुलबुल जो संज्ञा दी थी, वो पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम जी को किसने पहाड़ी बुलबुल की संज्ञा दी थी। तो ये सरोजनी नायडू ने दी थी, ये भी आपने याद रखना है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के देहरा डाटा सिल्वा से ये बिलोंग करते थे बाबा कांशीराम। और इन्होंने आज़ादी नहीं मिल जाती तब तक इन्होंने काले वस्त्र धारण करने की प्रतिज्ञा ली थी, ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, पहाड़ी गांधी जो संज्ञा थी बाबा कांशीराम जी को, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। मिंजर फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिंजर त्यौहार जो है, मिंजर मेला जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है हिमाचल के। तो आपको पता होगा ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। विच इज़ द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जो जल विद्युत परियोजना है वो कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, शैनन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको बताओ शैनन जो जल विद्युत परियोजना है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट के जोगिंदर नगर में है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, हिमाचल में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है, लेकिन ये अंडर किसकी आती है, ये पंजाब गवर्नमेंट की अंडर आती है, ये भी आपने याद रखना है। जो शैनन जल विद्युत परियोजना है वो पंजाब सरकार के अंडर आती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, शैनन इज़ द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश।
क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो कौन थे। क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, मेजर जनरल हिम्मत सिंह जो है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये, फर्स्ट LG थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और राज्यपाल थे हिमाचल प्रदेश के जब। और अभी जो पहले राज्यपाल थे, फर्स्ट गवर्नर जो थे, वो एस चक्रवर्ती थे, ये भी आपने याद रखना है। तो मेजर जनरल हिम्मत सिंह वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। विच लेक इज़ द सोर्स ऑफ पार्वती रिवर। तो कौन सी झील है जो पार्वती नदी का जो उद्गम स्थान है वो किस झील से होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, मानतलाई झील जो है। मानतलाई झील जो है ये आपको पता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। ये पार्वती नदी का ये उद्गम स्थान है और सोर्स है। तो मानतलाई लेक इज़ द सोर्स ऑफ पार्वती रिवर, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है ये मानतलाई झील जो है। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। वेर इज अंगोरा रैबिट फार्म इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कहाँ पर अंगोरा खरगोश फार्म जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में वो किस जगह पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, कंदवाड़ी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। हु फाउंडेड द नूरपुर प्रिंसली स्टेट। तो नूरपुर प्रिंसली स्टेट की स्थापना जो थी वो फाउंड किसने की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, जेठपाल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं नूरपुर का प्राचीन नाम क्या था, तो धमेरी, ये आपने याद रखना है, नोट कर लेना है, धमेरी जो था वो नूरपुर का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज दराटी पास। तो दराटी दर्रा जो है आपको पता होगा ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, दराटी पास जो है वो आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इन चंबा रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज दराटी पास। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स इज लोकेटेड इन द चंद्रा वैली ऑफ लाहौल। तो इनमें से कौन सा ग्लेशियर है जो लाहौल की चंद्रा घाटी में स्थित है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, बड़ा शिगड़ी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि स्थानीय भाषा में शिगड़ी किसे कहा जाता है। तो स्थानीय भाषा में शिगड़ी जो है वो ग्लेशियर्स को कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। तो बड़ा शिगड़ी जो ग्लेशियर है वो लाहौल की चंद्रा घाटी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। विद विच एंसेंट सेज इज रेणुका लेक ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एसोसिएटेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, परशुराम जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। नियर विच टाउन ऑफ हिमाचल मंडी डिस्ट्रिक्ट इज मछियाल लेक। तो मछियाल लेक जो है वो मंडी जिले के किस टाउन के नज़दीक है। ये क्वेश्चन कई बार हमने डिस्कस किया है, मछियाल लेक में भी कन्फ्यूज होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, मछियाल झील जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट की जोगिंद्रनगर शहर के नज़दीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि इन विच ईयर वाज माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट सेट अप नियर मनाली। तो मनाली में जो पर्वतारोहण संस्थान है, माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है वो कब सेटअप हुआ था, कब स्थापित हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 1961 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच राजा ऑफ बुशहर प्रिंसली स्टेट हेल्प्ड तिब्बत इन द तिब्बतन लद्दाख मुगल वार अराउंड 1681। तो कौन से बुशहर के राजा ने तिब्बत हेल्प की थी, कि तिब्बत की जब तिब्बत लद्दाख मुगल जो युद्ध हुआ था 1681 में। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, राजा केहरी सिंह जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, चीफ मिनिस्टर कौन थे। क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, शांता कुमार जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बिलोंग करते हैं, पालमपुर से, ये भी आपने याद रखना है। तो प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो थे हिमाचल प्रदेश के वो कौन थे, वो श्री शांता कुमार जी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। इन विच प्रिंसली स्टेट डिड द प्रजामंडल लीडर्स लॉन्च द भाई धोना पाई मूवमेंट अराउंड 1939। तो किस प्रिंसली स्टेट में प्रजामंडल लीडर ने लॉन्च किया था भाई धोना पाई जो था आंदोलन जो था, तो 1939 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 60 का वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, बुशहर।
वो शहर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज इन पैगोडा आर्किटेक्चर स्टाइल। तो पैगोडा शैली में कौन सा मंदिर जो है वो पैगोडा शैली में बनाया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 61 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, हिडिंबा देवी मंदिर जो है मनाली में है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये जो मंदिर है वो पैगोडा शैली में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग राजा ऑफ नूरपुर ट्रांसफर हिट्स कैपिटल फ्रॉम पठानकोट टू धमेरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, धमेरी जो था वो नूरपुर का प्राचीन नाम था। कौन से नूरपुर के किस राजा ने अपनी जो राजधानी जो थी वो पठानकोट से धमेरी स्थानांतरित की थी। क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, वासुदेव जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकोरेक्ट है। तो इनकोरेक्ट जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 63 में वो आपकी ऑप्शन नंबर सी जो है, 2 और 3 जो हैं ये दोनों जो हैं वो 2 और 3 जो हैं दोनों जो हैं वो इनकोरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपकी ऑप्शन नंबर ए 1 है। और 1 है, द सतलुज रिवर इंटर शिमला डिस्ट्रिक्ट एट बढ़ल इन रामपुर। सतलुज नदी है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से इंटर करती है, कहाँ प्रवेश करती है, वो बढ़ल जो रामपुर तहसील में पड़ता है वहाँ से वो सतलुज नदी जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं 2 और 3 जो हैं ये दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि हमने इनकोरेक्ट स्टेटमेंट देख ली थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है क्वेश्चन नंबर 64 में, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये दोनों जो हैं वो इनकोरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी हैज़ अडॉप्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग एज इट्स एकेडमिक रोब्स फॉर कॉन्वोकेशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, लोहिया एंड पहाड़ी कैप जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये एकेडमिक रोब्स के लिए कॉन्वेक्शन के लिए HPU यूनिवर्सिटी शिमला ने ये अडोप्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैलीज द जानवर विद विच डॉक्टर इज कॉल्ड टू फाइंड आउट वेदर द बॉडी शुड बी बर्नड वरिड एंड और कट इन टू पीसेज। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, स्पीति वैली जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 में बोला गया कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें हमने कोरेक्ट जो स्टेटमेंट है वो चुननी है। क्वेश्चन नंबर 67 का मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सेकंड जो स्टेटमेंट है ये कोरेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी फर्स्ट और थर्ड जो है ये दोनों जो है वो गलत स्टेटमेंट हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HP GK के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HP कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए, हिमाचल प्रदेश के जो एग्ज़ाम हुए थे डिपार्टमेंटल, जो भी HPSSC हमीरपुर बोर्ड वगैरह एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज हमने उन क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चन के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो आंसर के अकॉर्डिंग ही बताए हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स भी जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिविजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप HP TET की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको HP TET के रिगार्डिंग 140+ वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो थैंक यू फ्रेंड्स।